दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों को मेकअप का शौक हो या ना हो, लेकिन मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसी चीज है जो सबको अट्रैक्ट करती है। और हम लोग अपने घर में काफी सारा मेकअप परचेज करके ले आते हैं, और ज्यादा अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं करते तो वो रखे रखे खराब हो जाते हैं या फिर एक्सपायर हो जाते हैं, और उनको फेंकने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। बट मैं क्या करती हूँ, मेकअप प्रोडक्ट्स को मैं फेंकती नहीं हूँ। जो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज में नहीं आ रहे हैं या रखे रखे खराब हो गए हैं, उनका इस्तेमाल मैं करती हूँ घर की रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम सबके घरों में आती रहती हैं, तो ये वीडियो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि इनमें से कुछ टिप्स आपके भी काम आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को दूर करने का तरीका बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। यानी कि मेकअप करने के अलावा हम उन चीज़ों का और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारा कोई प्रोडक्ट अगर वेस्ट भी हो रहा है तो उसका सही सही इस्तेमाल हो जाए। तो पहले मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद आएंगे हम मेन टॉपिक पर। तो ये देखिए, बैट्स मैंने ठीक कर दिए हैं दोनों, और ये फ्लावर्स मैं लेकर आई थी शाम को और मैंने फ्रिज में रख दिए थे। ये कुछ ज़्यादा फ्रेश नहीं है बट ठीक है, डेकोरेशन के लिए काम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बाउल में एक पानी ले लिया है और यहाँ पर मैं थोड़े से फ्लावर अरेंजमेंट कर रही हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पर परमानेंट एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था जिसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बंच लगाई हुई थी, बट कभी कभी मेरा मन करता है रियल फ्लावर से घर को डेकोरेट करने का, तो मैं इस तरह का छोटा मोटा डेकोरेशन ही करती हूँ। ये आसानी से हो जाता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। ये देखिए, ये फ्लावर्स बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएंगे, पास में ही फ्लोरिस्ट की शॉप है तो मैं वहाँ से ले आती हूँ कभी कभी, हमेशा नहीं करती। तो आप भी ओकेजनली इनको कर सकते हैं अगर आपको डेली में थोड़ी दिक्कत हो, डेली में आपके पास फ्लावर्स अवेलेबल ना हो, या फिर डेली में आप नहीं कर सकते तो कभी कभी आपको ये ज़रूर करना चाहिए। कोई फेस्टिवल्स हैं या फिर कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हैं तो आप इस तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं। फ्लावर्स कम हो तो खाली पेटल्स भी आप इनमें डाल सकते हैं, और इस तरह से बाउल बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये तैयार हो चुका है। अगर आपके पास फ्लोटिंग कैंडल्स हैं तो वो भी आप सेंटर में रख देंगे तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं ये हर घर में पाए जाते होंगे, इतना सामान तो सारे लोग ही रखते हैं, और मैं इन्हीं का इस्तेमाल करना बता रही हूँ आपको इस वीडियो में कि और किन किन तरीक़ों से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी रोज़मर्रा की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम नेल पेंट का इस्तेमाल देख लेते हैं। तो नेल पेंट का पहला यूज हम देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की बॉटल ली है, बच्चों के लंच बॉक्स होते हैं, अगर बच्चे छोटी क्लासेस में हैं तो अक्सर उनकी बॉटल या लंच बॉक्स गुम हो जाते हैं, तो आप उनके ऊपर नेम लिखने के लिए नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पेंट की तरह काम करता है, पानी वानी का इस पर असर नहीं होता है और जल्दी से ये ख़राब भी नहीं होता। तो बच्चों का नाम लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, तो इस तरह का चीज़ें आप लिख सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स पर या बॉटल पर। इस तरह के रबर बैंड्स आपके पास हैं तो आप उनको भी नेल पेंट से नया लुक दे सकते हैं, कुछ और कलर में इनको कलर कर सकते हैं, या फिर इस तरह के इयररिंग्स हैं आपके पास तो उनको ड्रेस का मैचिंग कलर भी आप देख सकते हैं, बीच में आप कोई और कलर कर देंगे आपके ड्रेस से मैच करता हुआ, तो नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए भी आप। और इसके अलावा आप अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा क्लचर है, इसे आप और कलरफुल बना सकते हैं, नया लुक दे सकते हैं नेल पेंट का इस्तेमाल करके। इस तरीके से हेयर क्लिप्स हैं उनको भी आप अलग अलग कलर में कलर कर सकते हैं, और आपके पास प्लेन बैंगल्स हैं उनमें भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं नेल पेंट की मदद से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर आप नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कॉस्टली नहीं है, नेल पेंट काफ़ी आसानी से हर जगह आपको मिल जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर बैंगल मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पर स्टोन निकल गया है और स्टोन गुम हो गया है जिसे हम वापस से भी लगा नहीं सकते, इसमें फिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हम नेल पेंट का इस्तेमाल करके एक स्टोन तैयार कर सकते हैं जिससे ये जल्दी से पता नहीं चलेगा और आपकी जो बैंगल्स हैं फिर से इस्तेमाल में आ जाएंगी जो कि एक स्टोन निकलने की वजह से ख़राब हो गई थी। तो मैचिंग कलर का आपने इसमें लगाना है,
नेल पेंट। और ये देखिए आपका सेट फिर से तैयार हो गया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने कि हम कहाँ पर नेल पेंट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है हमें, और इस तरीके से आप नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं लिपस्टिक का क्या यूज हो सकता है। अगर आपके पास मैचिंग कलर का नेल पेंट नहीं है और जो लिपस्टिक आपने लगाई है उसी लिपस्टिक को आपने ब्रश से इस तरीके से नेल्स पर लगाना है और आपकी मैचिंग कलर की नेल पेंट तैयार हो जाएगी। कई बार होता है हमारे पास हर कलर की नेल पेंट नहीं होती है, तो ये देखिए इस तरीके से आपने लगाना है। और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी क्लियर नेल पेंट की, तो जो क्लियर नेल पेंट है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। बस आपने एक स्ट्रोक में इस तरीके से लगाना है, दो तीन स्ट्रोक आगे की तरफ लगाइए। और उसके बाद ये देखिए कलर पैलेट है मेरे पास, इसमें से मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ उसके ऊपर। इसमें कलर के साथ शाइन भी आ जाएगा। आप हाइलाइटर ना लगाएं तो सिर्फ ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। और हाइलाइटर लगाने के बाद आपने एक कोट और लगाना है इसके ऊपर, जिससे कि ये सिक्योर हो जाएगा और आसानी से दो तीन दिन ये नेल पेंट चल जाएगा, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए इस तरीके से भी आप नेल पेंट लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने डायरेक्ट नेल के ऊपर नेल पेंट लगाना है, क्लियर नेल पेंट ही लगाना है, और उसके बाद आपने आई शेडो या हाइलाइटर से इस तरीके से इसके ऊपर टैप करना है जो कलर आप चाहते हैं। ये देखिए दो कलर मैंने लगा दिए यहाँ पर इस तरीके से, और इसके बाद एक कोट और लगाना है आपने क्लियर नेल पेंट का। और ये देखिए हाइलाइटर से आपकी नेल पेंट तैयार हो गई है। तो दो तरीके हैं नेल पेंट बनाने के, और बाकी हिस्से को साफ़ कर दें इस तरीके से, पानी में डाल के भी ये ख़राब नहीं हो रही है। तो ये हैक्स आप यूज कर सकते हैं जो कि रिलेटेड थे लिपस्टिक और हाइलाइटर से। अब मैं लूज पाउडर के हैक आपको बता रही हूँ। ये देखिए मैंने लिपस्टिक लगा ली है और उसके बाद हमने इस तरीके से लूज पाउडर लेना है और हल्का सा टैप करना है लिप्स के ऊपर, जिससे आप इसे मैट लुक दे सकते हैं लिपस्टिक को, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। आपने शाइन चाहिए तो एक बार और अप्लाई कर लें लिपस्टिक, और उसके बाद ये बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होगी आपकी लिपस्टिक। तो इस तरीके से लूज पाउडर का यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कंटेनर में मैंने लिपस्टिक रखी हुई है, तो मेरा एक लिपस्टिक का काफ़ी फेवरेट कलर था जो कि ख़त्म हो गया था, और लिपस्टिक ख़त्म होने के बाद भी अंदर की तरफ काफ़ी लिपस्टिक बच जाती है, तो आपने उसको निकाल लेना है किसी चीज़ से, टूथपिक की मदद से आप उसे निकाल लें। और उसके बाद आपने उसे स्पून में डालना है, एक कैंडल बर्न कीजिए और उसके ऊपर आपने स्पून को रखना है और उस हिस्से को थोड़ा सा गर्म कीजिए, जिससे जो लिपस्टिक है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद इस तरह के किसी कंटेनर में रख लीजिए उसको, और आप ब्रश की हेल्प से उसे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी फेवरेट लिपस्टिक भी बची रहेगी। अब देखते हैं बॉडी लोशन या इस तरह की एंटीसेप्टिक क्रीम से क्या किया जा सकता है। तो ये देखिए इसको आपने इस तरीके से फोरहेड के ऊपर लगाना है। जब भी आप अपने हेयर में कलर अप्लाई करें, मेहंदी लगाएं, तो इस तरह से आपने फोरहेड के ऊपर, कानों के ऊपर और बैक साइड में नेक के इसी तरीके से आपने ये क्रीम अप्लाई करनी है, जिससे निशान नहीं पड़ेंगे आपके नेक पर और माथे पर। कोकोनट ऑयल भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह की कोई क्रीम या फिर बॉडी लोशन कुछ भी आपके पास है आप ले सकते हैं, बस आपने स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। और ये देखिए टेलकम पाउडर है, टेलकम पाउडर को आप इस तरह से शूज में डाल सकते हैं। अगर आपके पास शूज को वॉश करने का टाइम नहीं है या फिर आपको लगे कि शूज जल्दी से सूख नहीं पाएंगे, तो आपने जो शूज की स्मेल को हटाने के लिए कुछ वक्त के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं टेलकम पाउडर का या फिर बेबी पाउडर का। ये देखिए एक चेन है और ये सामान एक साथ पड़ा रहे तो अक्सर इसमें नोट लग जाती है, तो इसे ओपन करने के लिए भी हम इसमें बेबी पाउडर या फिर इस तरह का टेलकम पाउडर डाल सकते हैं, और इसे हल्का सा इस तरीके से रब करना है आपने, और उसके बाद आप देखेंगे कितनी आसानी से ये नोट ओपन हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।